हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एडियो ग्रोथ दिस इज रिचर शर्मा एंड एज यू नो दैट कि हमारा ये न्यू सेशन स्टार्ट हो गया राइट और इसके पहले मैं आपको एक लेक्चर करवा चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने आपको जैसे कि आपको पता है हम क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर वन दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं ओके और ये उसका सेकेंड लेक्चर है तो जो फर्स्ट वाला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था वॉट डू मीन बाय रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड एज वेल एज वो कौन से तीन क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी चीज को क्या बोलते हैं रिसोर्सेस बोलते हैं अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज आप उसको देख सकते हैं राइट right? सो so, आज मैं इसके आगे का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज उसको हम स्टार्ट करते हैं सो लेट्स बिगिन आप वीडियो सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास टेंथ जोग्राफी का पार्ट टू ओके रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और इसके पहले मैंने आपको ये भी बताया था गांधी जी ने एक थॉट लिखा था उनका कहना क्या था देअर इज़ आर इनफ फॉर एवरी वन नीड्स एंड नॉट फॉर एनी बनी बडी ग्री ग्रीड ओके वॉट यू मीन बाय दैट कि अगर आपको यहाँ हमारे नेचर के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत सारे रिसोर्सेस हैं बट कब तक जब तक हमें ज़रूरत है हम तब तक उनकी यूज़ करें

जो हमारे क्लासिफिकेशन हुए हैं उनको हमने किसी बेसिस के ऊपर क्या किया गया है कैटेगराइज किया है हमने ओके okay? हमने उन्हें क्लासिफाइड किया गया जो फर्स्ट है वो है आपका ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन ओके क्या बोला जा रहा है आपका जो आपका ये जो रिसोर्सेज uh, है उनको हमने क्लासिफिकेशन किया है उनका हमने क्लासिफिकेशन किया है किसके बेसिस पे कुछ उनके बोला चाहिए एक तरह से uh, उनके अंदर जो क्वालिटी होती है ओके okay?

ऑनरशिप को फिर से फर्दर फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया फर्स्ट इज कॉल इंडिविजुअल रिसोर्सेज सेकेंड इज कॉल कम्युनिटी रिसोर्सेज थर्ड इज कॉल नेशनल रिसोर्सेज एंड फोर्थ वन इज योर इंटरनेशनल रिसोर्सेज ओके अब जो आपका लास्ट क्लासिफिकेशन वो है आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ओके इसको हमने फर्दर फिर से डिवाइड किया है दैट इज़ पोटेंशियल डेवलपमेंट एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज ओके पोटेंशियल रिसोर्सेज डेवलप रिसोर्सेज स्टॉक रिसोर्सेज एंड योर रिजर्व रिसोर्सेज ओके ये हमारे प्रॉपर पूरे जो रिसोर्सेज है उनको इस टाइप से डिवाइड किया गया है आप देख सकते हैं जो ब्रॉडली डिवाइड किया गया है वो फोर कैटेगरी में किया गया है फर्स्ट इज ऑरिजिन सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिबिलिटी थर्ड वन इज ऑनरशिप एंड फोर्थ वन इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ओके एंड देन इनको फिर से हमने फर्दर डिवाइड किया तो हम वन बाय वन करके इनको देख लेते हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी बायोटिक रिसोर्सेज तो हम देखते हैं उससे आप क्या समझते हो बायोटिक अगर आप जब इसको तोड़ोगे इस वर्ड को ओके जब आप इस वर्ड को ब्रेक करोगे तो आप देखोगे बायो और टिक ओके तो ये दो दो के अंदर आपका क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है दो वर्ड के अंदर ये ब्रेक ये वर्ड आपका ब्रेक हो रहा है तो बायो तो का मीनिंग क्या होता है लाइफ ओके okay, तो हम यहाँ वैसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वैसे रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जिनके अंदर क्या होती है लाइफ होती है लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा फोना ओके या फिर हम बोल सकते हैं आपकी प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ एक्सेट्रा ओके जिनके अंदर भी आपकी लाइफ होती है उसका मतलब क्या होता है आपके वो आपके बायोटिक रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं सेकेंड वन सेकेंड इज योर ए बायोटिक रिसोर्स ए बायोटिक रिसोर्स का मतलब ये होता है जिसके अंदर लाइफ नहीं है ओके नॉन लिविंग थिंग एक तरह से क्च इट एवरी वन तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल लू आपके मिनरल्स आपके इतने सारे मेटल्स आपके इतने सारे ये सारी चीजें क्या है आपकी आपके लिए रिसोर्सेज हैं बट उनके अंदर लाइफ नहीं है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं ए बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं नाउ अब हम बात करते हैं हमारी एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर एग्जॉस्टिबिलिटी का मीनिंग होता है कि कोई चीज आपकी कितने टाइम तक चलेगी या फिर आपको रिन्यू करवा सकते हो कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं? उसको हम एग्जॉस्टिबिलिटी बोलते हैं ओके तो इसको हमारे यहाँ फर्दर दो, दो क्लासिफिकेशन की गई है इसकी फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा रिन्यूएबल मतलब कि हम हम यहाँ उन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं जो क्या हो जाते हैं रिन्यू हो जाते हैं ओके okay? जो क्या हो जाते हैं अपने रिन्यू हो जाते हैं अपने आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूँ कि जैसे कि अगर आपके पास आपका लाइब्रेरी कार्ड है आप स्कूल में जाते हो तो आपको एक लाइब्रेरी कार्ड मिलता है राइट अगर वो आपके उसकी डेट एक्सपायरी हो जाती है तो आप क्या करते हो आप उसको रिन्यू करवा सकते हो है ना उसके रिन्यू करवाने का आपके पास क्या है चांसेस होते हैं तो आप उसको क्या करवा सकते हैं रिन्यू करवा सकते हैं वैसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि अपने आप क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज है तो वो अपने आप क्या हो जाते हैं रिन्यू हो जाते हैं ओके okay, अगर मैं बात करूं आपके फॉर एग्जाम्पल सनलाइट ठीक है सोलर एनर्जी जिसे हम बोलते हैं इसके अलावा आपका वाटर हो गया एंड विंड एनर्जी हो गई ये सारी चीजें क्या आपके रिन्यूएबल है कैसे रिन्यूएबल है क्योंकि आपको पता है अगर आज आपका सन उगा है ओके सन राइज हुआ है तो भले ही वो आज सनसेट भी हो जाएगा तो आपको पता है कल फिर से सन आएगा राइट कल फिर से सनराइज होगा जिसके कारण हमें क्या मिलेगी हमें एनर्जी मिलेगी सन एनर्जी सोलर एनर्जी मिलेगी तो ये हमारा क्या है रिन्यूएबल है इसके अलावा अगर हम सेकंड आपकी बात करें सेकंड एग्जांपल की बात करें विंड ओके विंड जैसे हमेशा चलती रहती है तो वो हमारी क्या है रिन्यूएबल एनर्जी है वॉटर अगर अभी गर्मी है और अभी इस टाइम पे पानी नहीं भी आ रहा है तो आपको पता है जब बारिश का टाइम आएगा जब आपका रेनी सीजन आएगा उस टाइम पे पानी आपके पास फिर से आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना अब आपकी जो सेकंड कैटेगरी है वो है आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हम ये देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है जैसे कि रिन्यूएबल में आप रिसोर्सेज को क्या कर सकते थे या वो जो रिसोर्सेज है वो अपने आप क्या हो सकते थे रिन्यू हो सकते थे बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रिन्यू नहीं हो सकते और सपोज वो होते भी हैं तो उनको इतना ज्यादा टाइम लगता है मिलियंस एंड मिलियंस ईयर लगता है कि उनका होना ना होना एक बराबर होता है ओके okay? मतलब हमारी तो दस जनरेशन निकल जाएंगे इवन और ज़्यादा ही निकल जाएंगे इतना ज्यादा टाइम लगता है ओके okay? इसलिए हमें उन रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए संभाल के यूज करना चाहिए अगर मैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करूं तो आपका क्या है कोल पेट्रोलियम फ्यूल एक्सेट्रा ओके ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आती है नॉन रिन्यूएबल आती है इसलिए बोला जाता है हमें फ्यूल बहुत ज्यादा संभाल के यूज करना चाहिए ओके एक बार वो खत्म हो गया तो हमें उसको उसको मतलब फिर से फ्यूल को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बहुत ओके दैट्स वाई अब जो आपकी थर्ड कैटेगरी है वो है ओके? ऑनरशिप okay? के बेसिस in की कोशिश करनी है बेटा ओके okay? जैसे कि ऑनरशिप की अगर मैं बात करती हूँ ऑनरशिप का मतलब क्या होता है जिसका किसी भी चीज पे उसका खुद का अधिकार होना ओके okay? तो हम उसके बेसिस पे देखेंगे कि इंडिविजुअल किसका ऑनरशिप है कम्युनिटी में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल ओके हम ये चारों के चारों पढ़ने वाले तो जो हमारा फर्स्ट है इंडिविजुअल इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है किसी पर्टिकुलर इंसान का ओके okay? किसी एक इंसान का होना फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूँ तो जैसे कि आपके पास आपका बैग है ओके okay? वो क्या है आपकी खुद की इंडिविजुअल रिसोर्सेज है ठीक है या फिर आपका खुद का मोबाइल है आपकी खुद की बाइक या साइकिल है ठीक है ये सारी चीजें क्या आपका खुद का आ, बोलना चाहिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज है ओके और अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़े लेवल पे बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल आपके घर है आपका घर है आपका घर बहुत बड़ा है ओके वहां आपका छोटा सा गार्डन या पार्क है तो वो जो गार्डन और वो पार्क है वो क्या है किसी एक बंदे के नाम पे फॉर एग्जाम्पल वो आपके पेरेंट्स में से किसी के नाम पे भी हो सकता है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे हो सकता है ओके तो वो किसी एक इंडिविजुअल का है राइट गॉटेड एवरी वन ना सेकेंड जो है हमारा कम्युनिटी कम्युनिटी का मतलब होता है पूरी किसी एक कम्युनिटी या किसी एक सोसाइटी का अधिकार होना उसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि जो आपके घर का पार्क है या आपके घर का गार्डन है वो सिर्फ आपका है राइट लेकिन आपने देखा होगा आजकल जो सोसाइटी बनी होती है उसके अंदर भी क्या होते हैं पार्क होते हैं गार्डन होते हैं तो वो जो गार्डन होता है वो जो पार्क होता है उस पर पूरी कम्युनिटी का हक होता है उसपे किसी एक इंडिविजुअल का हक हाँ नहीं होता ठीक है उसपे किसी एक इंडिविजुअल की ऑनरशिप नहीं होती है उसके ऊपर किसकी होती है उसके ऊपर पूरे कम्युनिटी की होती है ओके इसके अलावा मैं दूसरा एग्जाम्पल दू जैसे कि हमारे सबके घर में मंदिर होते हैं ओके टेंपल होते हैं तो वो जो आपके घर में टेंपल है तो वो किसी एक इंडिविजुअल का है और अगर आपकी सोसाइटी के अंदर जो टेंपल है तो वो किसका है वो पूरी कम्युनिटी का है गॉट इट समझ में आया आपको क्या डिफरेंस है इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी के अंदर Now, जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है नेशनल डेवलपमेंट सॉरी नेशनल ऑनरशिप नेशनल ऑनरशिप का आपका यहाँ मतलब होता है बेटा नेशनल का मतलब होता है यहाँ कि जो चीज नेशनल को बिलोंग करे ओके okay? मतलब इंडिविजुअल अलग कम्युनिटी अलग एंड नेशनल अलग नेशनल नेशनल में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कौन कौन से आपके एग्जांपल आ सकते हैं रोड रोड ना आपका है ना रोड मेरा है ना ही किसी कम्युनिटी का है ओके okay? रोड हमारा सबका है अगर किसी को कहाँ कहीं से लेके, फॉर एग्जाम्पल आपको जयपुर से लेके जम्मू कश्मीर जाना है ट्रैवल करना है तो आप जिस रोड पे ट्रैवल कर रहे हो जिस आ, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या फिर हम बोल सकते हैं जिस अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हो तो जिस एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें क्या है ये नेशनल की है राइट वॉट एड एवरी आपको समझ में आया ना इसके अलावा आपका जो फोर्थ है वो है इंटरनेशनल 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 का मतलब ये होता है बेटा कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनल के होते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारी एक बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे ओके okay? और वो बाउंड्री खत्म होने के बाद वो क्या हो जाएंगे वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाएंगे अब अगर आपको इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता परमिशन चाहिए होती है फॉर एग्जाम्पल आप खुद के घर में हो तो आपको उसमें किसी की परमिशन थोड़ी नहीं लेनी होगी आप अपने घर में कहीं भी घूम सकते हो लेकिन या फिर आप स्कूल में हो या आप किसी और के घर में जा रहे हो तो आपको किसी और की कोई चीज देखनी है या उसको यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा परमिशन लेनी पड़ेगी सेम विद दिस यहाँ भी आपको इंटरनेशनल रिसोर्स को रिसोर्सेज का जब आपको यूज करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है आपको परमिशन लेनी पड़ती है किससे परमिशन लेनी पड़ती है आपको जो कि इंटरनेशनल के आपके इंस्टीट्यूट होते हैं यूएन हम बोल सकते हैं ओके okay? अब मैं आपको इसके अंदर एक और चीज बताऊंगी जैसे कि जो हमारा नेशनल रिसोर्सेज होता है नेशनल रिसोर्सेज के अंदर ही हमारा कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज भी कवर हो जाता है कैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास आपकी कोई लैंड uh, है ओके okay, अब वो आपकी खुद की है ठीक है बट अगर आप गवर्नमेंट को उसकी नीड है ठीक है गवर्नमेंट को लोगों की वेलफेयर के लिए या आपकी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना है जिसके कारण या कुछ डेवलपमेंट करना है जिसके कारण आपकी वो लैंड यहाँ काम आनी है तो नेशनल क्या कर सकता है गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसको अपने अंडर ले सकती है ओके okay, ऐसे ही अगर कम्युनिटी की कोई चीज है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की कोई चीज है अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको वो अपने अंडर ले सकती है दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि उसके बिहाफ में वो उसको या तो पैसे प्रोवाइड कर देती है मनी दे देती है या फिर कहीं दूसरी जगह उसको मतलब जितनी लैंड ली गई थी उतनी उसको प्रोवाइड कर दी जाती है ओके okay? अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी वॉट इज दी डिफरेंस बिटवीन नेशनल मतलब कोई एक चीज़ जो है वो आपके क्या हो सकती है इंडिविजुअल भी हो सकती है कोई एक रिसोर्स वो रिसोर्स एक तरह से कम्युनिटी रिसोर्स भी हो सकता है और नेशनल रिसोर्सेज भी हो सकता है कैसे लेट्स फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आपकी कि आपका जैसे कि हम बात करते हैं स्कूल की बात करते हैं ओके okay? हमने स्कूल की बात की तो जो एक स्कूल है आपका ठीक है तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर किसी एक की ऑनरशिप होगी जिसने वो स्कूल खरीदा होगा तो इस बेसिस पे देखें तो वो जो स्कूल है वो क्या है एक तरह से इंडिविजुअल है राइट ओके बट अब क्या है वहां आपके क्या होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल होते हैं ठीक है थीके? या फिर हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर एक एक जने ने खरीदा है लेकिन उसके शेयर्स बहुत सारे जनों के पास है तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा आपका अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज भी हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर कम्युनिटी भी जुड़ी हुई है अब हम आपकी बात करें इसी को हम नेशनल रिसोर्सिस कैसे बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल भले ही वो जो स्कूल है वो किसी एक इंडिविजुअल का है जब वो खुद के नज़रिए से देख रहा है ठीक है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है या हम ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वो किसका है वो उसका है ठीक है किसी इंडिविजुअल का या फिर किसी कम्युनिटी का लेकिन अगर हम बात करें जिसके अंदर बच्चे जा रहे हैं वहां पढ़ रहे हैं तो एक तरह से वो क्या है वो नेशनल की प्रॉपर्टी हुई ना क्योंकि वो नेशनल के अंदर है तो हम इसको क्या बोलेंगे हम उसको नेशनल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं ओके गॉट इट आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि डू मीन बाय बायोटिक बायोटिक रिसोर्स का सिंपल सा मीनिंग होता है जिस रिसोर्स resource के रिसोर्स के अंदर लाइफ होती है भले ही वो ह्यूमन बींग्स हो भले ही वो आपके फ्लोरा हो एंड फोना फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट लाइफ एंड फोना का मतलब होता है आपका एनिमल लाइफ ओके फ्लोरा एंड फोना में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ फ्लोरा एफ एफेलो और फ्लावर एफ एल ओ तो ये जो तीनों वर्ड है वो दोनों मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं फ्लावर का मतलब क्या होता है प्लांट इसलिए प्लांट को हम किससे कंसीडर कर सकते हैं हम उसको कंपेयर कर सकते हैं फ्लोरा से ओके ए बायोटिक जस्ट अपोजिट जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है रिन्यूएबल की मैं बात करूं तो रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते जो रिसोर्सेज रिन्यू नहीं हो सकते ऑनरशिप में इंडिविजुअल मतलब किसी एक का हक होना ठीक है कम्युनिटी मतलब किसी पूरी कम्युनिटी या सोसाइटी का ऑनरशिप होना उसके ऊपर नेशनल मतलब कि गवर्नमेंट का हमारा ऑनरशिप होना उसके लिए ठीक है और फोर्थ वन आपका इंटरनेशनल ऑनरशिप जिसके अंदर क्या होता है इंटरनेशनल का ऑनरशिप होता है कुछ हमारे इंस्टीट्यूट होती है उनका ऑनरशिप होता है और उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है परमिशन लेनी पड़ती है ओके अब हमारा जो लास्ट वन है वो है आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ओके अगर मैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो उसके अंदर सबसे पहले आता है आपका पोटेंशियल ओके okay? सारे मैक्सिमम बच्चों को इसी के अंदर कंफ्यूज होता है तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ओके तो जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो है आपका पोटेंशियल पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है आप तो ये बताओ पहले सिंपल लैंग्वेज में पोटेंशियल मतलब काबिलियत होना ठीक है थीके? आपके अंदर इतना पोटेंशियल है इतनी काबिलियत है कि आप उस काम को कर सकते हो अब अगर हम इसको जैसे कि मैं आपको फोर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दू मान के चलिए आपके पास इतनी काबिलियत है या आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप क्या कर सकते हो आप मतलब कुछ लोग हैं जिनके पास है ना मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी मतलब एक्स्ट्रा क्या बोलना चाहिए आपके वो होते हैं मतलब एक्स्ट्रा आपके पास टैलेंट होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप डांस में बहुत अच्छे हो कुछ लोग पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं कुछ लोग को, कुछ लोग आपके स्पोर्ट्स uh, में बहुत अच्छे हैं बट एक्चुअली में क्या होता है जैसे कि आप टेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास में हो ओके okay? तो आपको पता है ये टाइम बहुत क्रूशल टाइम होता है जिसके कारण आप आपकी अदर एक्टिविटीज़ पे जो आपकी बहुत अच्छी है ठीक है आप जिनके अंदर बहुत काबिलियत रखाते हो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है उसको अच्छे से करने का बट आपके पास टाइम नहीं है ठीक है टाइम नहीं है तो आप उस चीज़ को क्या नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो ओके okay, मतलब आपके अंदर काबिलियत बहुत है आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है किसी और को काम करने का बट आपको पता है टेंथ क्लास है आपके पास टाइम नहीं है इसलिए आप उसको क्या नहीं कर पा रहे हो उसको आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो ठीक है या अच्छे अच्छे से उसका यूज नहीं कर पा रहे हो वैसे हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास अमेंडेंट होते हैं ठीक है ठीके? बहुत सारे होते हैं बट हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती है जिसके कारण हम उनका प्रॉपर यूज कर सकें जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल दूँ आपको जैसे राजस्थान हो गया गुजरात हो गया इस साइड आपकी विंड एज वेल एज सोलर एनर्जी बहुत सारी होती है राइट right? बट हमारे पास ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी है बट हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण हम प्रॉपर यूज़ कर सके मतलब तो जितनी उनकी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग हम उनका यूज़ कर सके गॉट इट गॉट इट दैट इज़ कॉल्ड योर पोटेंशियल रिसोर्सेज ओके सेकेंड वन होता है हमारा डेवलपमेंट ठीक है डेवलप्ड रिसोर्स डेवलप का मतलब ही समझ में आता है हम नहीं बोलते यूएसए इज अ डेवलप कंट्री मतलब कि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है मतलब उसको सब कुछ पता है एक तरह से ठीक है वैसे ही डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं हमें पता है उनकी क्वांटिटी कितनी है उनकी टेक्नोलॉजी क्या है और हमें उन्हें कैसे यूज करना है ठीक है मतलब जितने उनके पास चीजें हैं तो हम उसको उसी बेसिस पे यूज कर रहे हैं ओके okay? समझ में आया मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पता है कि कोई भी चीज आपके पास है कोई भी रिसोर्स आपके पास है और उस की आपको क्वांटिटी भी पता है साथ के साथ में आपको यह भी पता है कि आपको उसको कैसे यूज करना है और आपके पास टेक्नोलॉजी भी आपके पास सारी चीजें उसको यूज करने के वो हमारा डेवलप रिसोर्स होता है ओके गॉट इट एवरीवन अब मैं बात करती हूँ स्टॉक रिसोर्स की ठीक है स्टॉक रिसोर्स क्या होता है हमारा स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ ओके पोटेंशियल में क्या था आपका बेटा पोटेंशियल और स्टॉक में आप डिफरेंस समझना पोटेंशियल में क्या था आपके पास टेक्नोलॉजी थी आपके पास टेक्नोलॉजी के साथ साथ बट उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी ठीक है कि आप उसका प्रॉपर यूज कर पाओ बट स्टॉक के अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होती है पोटेंशियल के अंदर टेक्नोलॉजी होती है लेकिन एडवांस लेवल की नहीं होती है ठीक है इसलिए हम उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते और स्टॉक के अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है हम यूज ही नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर है वाटर का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है एच ठीक है मतलब किससे मिलके बना है ये हाइड्रोजन एच फोर हाइड्रोजन एंड ओ टू मतलब कि ऑक्सीजन से मिलके बना है अगर हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके कारण हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग कर दें ओके तो हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन एज अ फ्यूल बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं कॉटेड एवरी वन जिसके कारण जो हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम जाती है कि हमारे यहाँ फ्यूल नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि पानी आपके ऐसी चीज़ है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है और आपको ये भी पता है हमारे अर्थ पे तो कितना सारा पानी है ओके बट प्रॉब्लम क्या है स्टॉक में तो है हमारे पास अवेलेबल है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते राइट right, right, समझ में आया अब हम बात करते हैं रिजर्व की रिजर्व का मतलब क्या होता है आपके पास एबिलिटी भी है आपके पास टेक्नोलॉजी भी है आपको क्वांटिटी भी पता है बट उसके बाद भी हम कुछ चीज़ों को रिजर्व करके रख देते हैं ठीक है रिजर्व करके रख देते हैं जिसके कारण हमारी आने वाली जनरेशन क्या कर पा है? उसका यूज कर पाए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पेरेंट्स आपके लिए सेविंग करके रखते होंगे ठीक है किसी ने पीडीएफ करवा दी आर करवा दी तो ये जो सेविंग्स करके रखते हैं वो क्यों करके रखते हैं इसको हमने पैसों को रिजर्व करके रख दिया क्यों करके रख दिया क्योंकि आपके आने वाले टाइम में आप क्या कर सको उनका यूज कर सको वैसे ही हमारे यहाँ भी जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है वो कुछ आपके डैम हो गए कुछ आपके फॉरेस्ट हो गए उनको क्या करके रखती है रिजर्व करके रखती है जिसके कारण आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसका क्या कर सके यूज कर सके ओके, आई थिंक आपको बेटा सबको ये सारे के सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ठीक है ये एक तरह से मैं आपसे बोल सकती हूँ कि मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आपका बायोटिक क्या होता है ए बायोटिक क्या होता है रिन्यूएबल क्या होता है नॉन रिन्यूएबल क्या होता है इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको विद डेफिनेशन एंड विद एग्जाम्पल और अच्छे से टू टू कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दूंगी

जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं प्रॉपर डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगी आप एक बार इस वीडियो को प्रॉपर एक बार फिर से देख लेना तो जब आप वो वाला लेक्चर देखोगे ना तो मैं आपको कीवर्ड के थ्रू जैसे कि आप देखते हो मैं कीवर्ड के थ्रू पढ़ाती हूँ ठीक है भले ही मैं किसी चीज को दो से तीन बार रिपीट करती हूँ बट अगर आप मेरा लेक्चर अच्छे से देखोगे ना बेटा तो आपको वहीं की वही याद हो जाएगा आपको घर में याद करने की नीड ही नहीं पड़ेगी पड़ेगी ओके क्यों क्योंकि मैं एक चीजों को इतनी बार बोल देती हूँ बार बार कीवर्ड के थ्रू बोल देती हूँ जिसके कारण वो कीवर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएंगे एंड आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी ओके गॉट इट एवरी सो अगर फिर भी आपको लगता है इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके डाउट है उनको सबको क्लियर कर दूंगी ओके सो बाय बाय एंड आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा ओके okay? अगर इफ यू लाइक माय लेक्चर सो प्लीज लाइक इट सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज शेयर माई वीडियो ओके सो बाय बाय टेक केयर